सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार आदाब। सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा राग मंत्र के बारे में। ये एक नई संस्था है और इसकी खासियत ये है, मुझे जो लगता है कि पहली चीज़ तो ये है कि ज़्यादातर जो संस्थाएं होती हैं वो जो चलाने वाले लोग होते हैं वो उनमें ज़्यादातर लोग वो खुद म्यूजिशंस नहीं होते हैं। इसको चलाने वाले जितने भी इसके कार्यकर्ता वर्ग जो भी लोग हैं सभी म्यूजिशंस हैं, जिनमें से एक मेरे खुद शागिर्द है अजीम अहमद अलवी, बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, और उनके भाई हफीज़ अहमद अलवी जो कि बहुत अच्छे तबला वादक हैं, और भी उनके साथी हैं जो कुछ कोई वायलिन बजाते हैं, कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये जो संस्था है ये एक म्यूजिशंस की संस्था है, और इसीलिए इन लोगों का जो एम है वो यही है कि अपने म्यूज़िक को, क्लासिकल म्यूज़िक को ज़िंदा रखें, और चूंकि ये ख़ुद भी उस म्यूज़िक की कदर जानते हैं इसलिए ये लोग दिलो जान से बहुत मेहनत करते हैं। जिन लोगों ने हाल ही में पिछले साल मेरे ख़्याल से मेरा और जाकिर भाई के साथ कॉन्सर्ट किया, राशिद खान का कॉन्सर्ट किया, उसके बाद फिर उन्होंने एल सुब्रमण्यम, शुजात खान वगैरह का बहुत अच्छी तरह से, और बहुत ऐसी जगह पे जो बड़ी खूबसूरत जगह है और जहाँ पे कॉन्सर्ट्स कभी नहीं होते, जैसे कि कुतुब मीनार दिल्ली में, वो उन लोगों ने चुना। तो लोग बहुत अच्छी तरह म्यूज़िक को पेश भी करते हैं, और मेरी इस संस्था के लिए बहुत दुआएं हैं, और आप लोग भी सभी लोग इनको सपोर्ट करें, ये मेरी इल्तिजा है। दूसरी बात यह है कि ऐसे मुश्किल वक्त में जो लोग म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कुछ कहना ये चाहूँगा कि इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखें, और इस वक्त जो उन्हें वक्त मिल रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रियाज में डाला जाए और रियाज करें, बजाय इसकी जो दूसरे इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में सोचने के बजाय अपने काम में के ज़रिए। और क्योंकि ऐसे वक्त पे एक म्यूज़िक ही है जिसने सभी को एक साथ जोड़ रखा है, जिसमें ना तो कोई भेदभाव है और ना ही कोई किसी तरह का की कोई अड़चन है, ये सभी को एक साथ ले आती है। तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, तो इसको जो लोग ख़ास तौर से म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं वो अपना वक्त मेरे ख़्याल से इसमें डाल के ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। Oh,